जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहे कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था, तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता, 74 में, 1974 में 74 में मैंने शिव को गुरु माना, और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया, पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए, दो साल के बाद 82 में जब मैं मध्यपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है, अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिव से बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग शब्दों के बावजूद। मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं, वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं, केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए, उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे बढ़ी, मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे, शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रुकने वाले, यानी कहने का मनी चर्चा का ये आकर्षण, अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है, बहुत प्रिय प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं, यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, आयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है, कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए, बाकी जो आप समझते हैं समझिए। तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के ये सोच के मैंने काम शुरू किया था, और ये हो क्या रहा है, जो है सो अपनी डबली अपना राग गा रहा है। बहुत क्षेत्रों में देखिएगा, उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, कहे उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है, क्या शिव ऐसा ही करते हैं, वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं,
बहुत जिलों में देखिएगा, लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो। और अभी पूछिएगा कि भैया आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, आप अपने से जोड़ लिए, तो आपसे मार करने को तैयार हो जाएगा। एक ही उदाहरण उसको दे दीजिए कि आपके पूरे जिले में आपका आतंक है, आतंक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आतंक है, आप जो चाहते हैं वही होता है शिव चर्चाओं में या परिचर्चाओं में, तो आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं, इस काम के लिए तो शिव कार्य नहीं शुरू किया गया था, ऐसे तो शिव दिलों में लोगों के नहीं धड़केंगे, आप धड़क रहे हैं भाई साहब, कारण जो भी हो वही हो रहा। और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, यही ना हुआ, धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर है, महेश्वर है, वह आपका गुरु है, तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे कहां पड़े, शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए, अभी मैं कैसे बना दूं, गुरु है शिव, शिष्य बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं। लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, वो सोचता क्या है, वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा, अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे, यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं है, धरती तो आपसे छूटी ही नहीं, शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था वो प्रयोजन नहीं है अब, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, वो हैं उनको भी, जो चले गए उनको भी, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए, शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं, और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने, क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है मुझको तो आता नहीं है, कॉन्फ्रेंस करेंगे बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके, दे मोनिटर दी कॉन्फ्रेंस, क्या इसका मानी है, हमको समझाइए। तो आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20-50-100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर, वह दीवाना है चर्चा का, आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेरने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा, हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया ही, यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा, अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत हैं वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे, ज्ञान से जुड़ रहे। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा बिगड़ता है।
इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ। कह गया अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब गुस्सा करके भी हमको ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा जरूर, मैं कहूँगा जरूर, और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा, अभी तो मैं अकेला हूँ। लेकिन अकेला रहूँगा नहीं मैं, जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रगटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति, कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं? देखिए, तीनों सूत्र अगर अपने लिए किए जा रहे हैं तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं समझिएगा, मेरा परिवार में कोई आदमी अस्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूँ, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है, यह व्यक्तिगत जरूरत है, इसीलिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग तो जरूरत के लिए मांगते हैं गुरु से दया, कुछ लोग फुटानी के लिए मांगते हैं, तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूँ। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, आदमी करेगा क्या? अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। अगर शिव के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं तो ये गुरु दक्षिणा। महादेव लोगों के दिलों में धड़के, महादेव की ऐसी दया हो कि लोगों के दिल में शिव बसे, कहे कि अभी शिव दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे हैं, तो बेचारी जनता क्या करेगी। वो दिलों में बसे तब ये गुरु दक्षिणा, तब ये कृतज्ञता है। अगर शिव के लिए आप तीनों सूत्र कर रहे हैं, उनके लिए दया मांग रहे हैं, यानी आप भी शिव से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं, शिव से कोई जुड़ेगा तो शिव के लिए जुड़ेगा, गुरु चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कोई शिव से जुड़े, नमः शिवाय कर रहे हैं कि गुरु को प्रणाम हो, आप पर दया मिले, सब पर दया मिले, और लोग शिव से जुड़े, शिव से जुड़े, शिव के लिए अगर तीनों सूत्र हो रहे हैं, ये कृतज्ञता, ये गुरु दक्षिणा। लेकिन जब तक लोक के लिए और परलोक के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाए, मुझको मोक्ष मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाए, अगर तीनों इसके लिए अगर शिव चर्चाएं हो रही हैं, लोक और परलोक के लिए अगर हो रही हैं, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, तो ये कृतज्ञता है। लोक परलोक के लिए अगर की जा रही है शिव चर्चाएं, तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा नहीं। खत्म बोलिए बोलिए। तीन सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, कैसे? तीन सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है, गुरु दया नहीं रहेगी तो उपलब्धि की विधि नहीं है। तीनों सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं शिव की ओर, शिव की अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तीनों सूत्र में गुरु की दया अपरिहार्य है, अनिवार्य है, बिना गुरु की दया के नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। हमेशा ये ज्ञान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा गुरु नहीं होता है, वो सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है, वो इतने ताकतवर गुरु के यहाँ जाके दांत खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना, वो कर देगा, हम लोग उसकी दया के भरोसे नहीं है। हम लोग के जेब में 100 रुपया रहता है तो मिजाज बना रहता है, 100 रुपया निकल गया तो रोने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं, मेहनत तो करने आता नहीं, हम लोग को मेहनत करे कमा नहीं सकते। तो तीनों सूत्र में गुरु की दया ही उपलब्धि का कारण है,
उपलब्धि की विधि है। तीनों सूत्र गुरु की दया के अभाव में हो रहे हैं, कोई मानी नहीं है, आप झूठ भी झूठ मूठ तीनों सूत्र कर रहे हैं। सभी शिष्य पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। सभी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है, कितनी बार कहूं मैं, हमेशा कहता रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे पिता के पास गाड़ी थी, वो पुरानी जीप थी, वो पुरानी कार थी अंग्रेजों के की छोड़ी हुई, और हम लोग उसमें रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते थे, बच्चे थे लेकिन हम लोग रोज रिपेयर करते थे, कभी सेल्फ बना रहे हैं, कभी सिग्नल बना रहे हैं, कभी हेडलाइट बना रहे हैं, कभी कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कभी एसी पंप खोल रहे हैं, कभी साइलेंसर चला अलग हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं, रोज बनाते थे और उससे काम लग चल लेते थे हम लोग। कभी टंकी में छेद हो जाए, एक बार जमुई से मैं जा रहा था धनबाद, टंकी में सारा पत्थर लग गया रास्ते भर, अब टंकी में पेट्रोल छूट गया, उस समय पेट्रोल पंप भी थे 100 किलोमीटर पर, भारी फेरा हुआ, तो पुरान गाड़ी है बाबू, कभी इधर कसते हैं तो उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है, वो कहा नहीं था एक बार कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है, गाड़िये कहती है हट नथ चिप देव, हट नथ चिप देव, गाड़िये बोलती है साली, हॉर्न को जरूरत नहीं बोलने का।